हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है, ये 500 ग्राम हमने ग्रेटेड गाजर लिया है। ये हमने 200 ml ताज़ा मलई लिया है, फ्रेश वाला जो घर में हम निकालते हैं वो। ये हमने 60 ग्राम शुगर लिया है। शुगर की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। 10-12 मैंने पिस्ता लिया है जिसे मैंने बारीक क्रश करके लिया है। ये मैंने 10-12 काजू लिए हैं जिसके कि मैंने बारीक टुकड़ा करके लिया है। और ये 1 टेबलस्पून मैंने हरी इलायची का पाउडर लिया है। तो आइए हम गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। ये मैं 2 टीस्पून घी डालती हूँ। घी थोड़ा मेल्ट होने पे हम ये ग्रेटेड गाजर इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बढ़ा लेते हैं और 4-5 मिनट के लिए गाजर को हम भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है घी के साथ गाजर को। अब हम इसमें ये 200 ml हमने मलाई ली है, फ्रेश मलाई, ये ऐड करेंगे। इसे अच्छे से गाजर के साथ मिक्स करेंगे। इसे वापस से हमें 5-1 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छी तरह से मलाई के साथ गाजर को भून लिया है। अब हम 5 मिनट के लिए हमने पूरा इसे भूना है। अब हम ये शुगर इसमें ऐड करेंगे। और शुगर पूरी तरह से उसमें मिक्स होने तक अब हम इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, पर अब हम इसे पूरी तरह से सूखने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने 5 मिनट के लिए भून लिया है। हमारा मिक्सचर अभी ड्राई होने लगा है, तो अब हम इसमें ये हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। और ये थोड़ा सा हमने पिस्ता लिया है, ये हम डालेंगे। और ये थोड़ा सा काजू डालेंगे। और इसे 2 मिनट के लिए और थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब हलवा पक चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। ये घी हम इसलिए डालते हैं कि इससे हलवे को बहुत अच्छा शाइन आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।